साले नागपुर को बंबई बना के मानेंगे। कानू ऐसे सड़कों में फंसा रहेगा तो रखवाली क्या घंटा करेगा? सर कानू के हाथ बहुत लंबे होते हैं ना, थोड़ी टांगे भी लंबी होती है ना, ये ट्रैफिक में सफर मस्त निकल जाते सर। कर दे अपनी टांगे लंबी, अब बस भगा, हियरिंग में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। यस सर। यहाँ आ गया सर पुलिस वालों का ससुराल, जाइए करवाइए अब कानून की सुनवाई। हाँ यही रुकना, आज अंदर सिर्फ तारीख मिलेगी, फैसला नहीं। चल पार्क कर दे। ये नीचे ड्राइवर को दे दो। सर संभल के आइए, अंदर मिर्ची पाउडर है। कौन था, कौन है? बली चौधरी कौन था ये पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि ये सिस्टम की एक शर्मनाक हार। अचानक ही महिलाओं की भीड़ उमड़ी और देखते ही देखते गायब ही हो गई। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक पुलिस वालों ने नहीं की, सील कर दिया है। हम लगातार इस घटना पर अपनी नजर बनाए रखेंगे, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने। सूत्रों के मुताबिक कमिश्नर आ चुके हैं और हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे कमिश्नर, 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 कमिश्न
किसी को देखा? हाँ सर, कम से कम 200 बाइलों की आर्मी। मेरा मतलब किसी का चेहरा देखा? सब मुंह ढकी थी, सब की सब। आते लाल मिर्च डाली वो। मैं बहुत कोशिश किया उसे बचाने का सर, लेकिन वो लोग मेरे को भी नहीं छोड़ी। वेबंस, सब घर का अतरंगी सामान, काटा चम्मच, चाकू, छुरी, लाठी, हथौड़ा। कुछ रिकवर किया? नो सर। बहुत ब्रूटली मारा है सर। हाउ सर, सामान भी काट दिया उसका। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह जब बल्ली चौधरी को एक केस की पेशी के लिए यहाँ लाया गया, तभी कोर्ट परिसर में 100-200 महिलाएं अचानक दाखिल हुई और उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। आगे की जानकारी सामने नहीं आई है, पुलिस पूरा एरिया सील कर चुकी है। सर, हमको बॉडी पीसेस अलग अलग कोने से मिल रहे हैं और एक कान तो अभी भी मिसिंग है। मिल गया सर। देशपांडे सर, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो एक दूसरे केस की हियरिंग थी सर। पुलिस कस्टडी में ऐसा मर्डर, पूरी फोर्स की एफिशिएंसी पे सवाल उठाए जाएंगे। अब इसके ऊपर केस क्या था? थोड़े बहुत मॉलेस्टेशन और रेप केस थे, बस ऐसे ही टाइम पास। ये लोग करते रहते हैं ना, ये राही नगर वाले दलितों की बस्ती है ना पूरी। आओ। अपर कास्ट का था ना? आओ सर। दिस इशू कैन टर्न अगली रियल सून। सर पे इलेक्शन है, अगर ये कास्ट बेस मुद्दा हो गया ना तो पूरे शहर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी हिल जाएगी। देशपांडे, यू टेक द चार्ज। ओके सर। अगर ये कह रहा है राही नगर वाले थे तो मुझे शाम तक अरेस्ट चाहिए और 2 दिन में चार्जशीट चाहिए। ठीक है सर, पूरी कोशिश करते हैं सर। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। एंड फॉर गॉड सेक, इट शुड नॉट गो आउट ऑफ हैंड। कहीं से भी एविडेंस ढूंढ के निकालो। 200 औरतें थी ना? आओ सर। एक तो फिंगरप्रिंट हुआ कहीं में। गेट ऑन द चॉप नाउ। ये वो मिनिस्टर का गुंडा था ना? सर आप नागपुर से नहीं है ना? माँ मादर चौदह आदमी था ये बल्ली चौधरी, और ये बस्ती वाली औरतें, ये भी कम हरामी नहीं है। साला झुंड में आके काट डाला, अब किस किस को पकड़ते बैठेंगे हम भाई तक? साला इतनी सारी औरतें, वो सब भी एक साथ। ये सब बिना प्लानिंग के नहीं हुआ पाटिल, किसी ना किसी ने की है प्लानिंग, सिखाया इन सबको। हमको ना वो उस एक आदमी को ढूंढना है या औरत। हाउ सर। रिस्पेक्टेड सर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स ड्यू टू सर्टन इनएक्सप्लिकेबल सिचुएशन बैक एट होम। आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू एक्सटेंड माई लीव बाय 2 more weeks। योर काइंड सपोर्ट एंड अप्रूवल शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड। थैंकिंग यू आशा सुरवे। अब जो होना था वो हो गया। बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मुझे नहीं लगता ये अंत है। आशा अभी भी टाइम है, तू चली जाना वापस, सब कुछ तो अच्छा होगा। आई क्या? आई तू क्यों आई वापस? और वैसे भी इस नस्तर जगह पे कुछ नहीं होगा, एक महिषासुर को मारेंगे तो दूसरा आ जाएगा। आई डरना बंद कर, इसी डर से हो रही है सब। सिर्फ भाग जाने से कुछ नहीं होगा, और जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ अपने घर से? घाबरू नको, माला काय नहीं होना। और देखना, अब पुलिस को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा बाबा, समझ गया। और क्या कहा था तुमने वहां पे? क्या हेमा कितना अपसेट थी? हर किसी को दिलचस्पी नहीं होती तुम्हारे लीगल आर्टिकल्स और सेक्शन जानने में। अरे बाबा, इट वाज जस्ट कैजुअल जोक। अय्यर कह रहा था कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो मैंने कहा कि अगर सुइसाइड करनी ही है तो यू बेटर बी सक्सेसफुल, क्योंकि अगर बच गए तो यू विल बी चार्ज्ड अंडर 309। मजाक में भी लो। तुम रिटायर हो गए हो, मैं जजमेंट देने की आदत नहीं की अभी तक। तुम कुछ नॉर्मल काम, नॉर्मल बात क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये नॉर्मल काम क्या होता है? अरे नॉर्मल काम मुझे कुछ भी, गार्डनिंग, पेंटिंग। तुम गार्डनिंग क्यों नहीं करते? मतलब रिटायरमेंट के बाद बगीचा संभालना होगा। हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है?
कोई प्रॉब्लम नहीं। तनख्वाह कितनी दोगी? तुम्हें मजाक लग रहा है? मतलब बिना तनख्वाह के काम करवाना चाहती हो? इन दैट केस यू कैन बी डायरेक्टली चार्ज अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट सेक्शन 21। शेपुट वाकड़ी थी वाकड़ी। राईनगर के बस्ती वालों, ये तुम लोग के लिए पहला और आखिरी वार्निंग है। अगर तुम लोग ने कुछ किया नहीं है तो डरने की बात नहीं है, सिर्फ औरत का। अजी नहीं, चौक तक आए हैं, अभी नहीं रोका तो घर में घुस जाएंगे। 5 मिनट के अंदर सबकी सब औरत। तुम मत जा जी, बाहर नहीं आई। मैं बोल रही हूँ ना जी, मत जा। जाना पड़ेगा, हम लोग को सख्ती से पेश आना पड़ेगा। सुन रहे ना तुम लोग, एक भी हराम का लौंडा बाहर नहीं आएगा। ए माने, एक बाजू में लेना उनको। चल ये बाजू। ए दाढ़ी औरत है क्या जो? चल पीछे, बड़ा पार्ट एक दो आ जाओ सब। शबाश, आ गए ना सबके सब। या बच्चा है और भी कोई अंदर घर के? बोरी ये भी ले। आओ भाग्यम हमारे तुम लोग के मुख दर्शन तो मिले। मेरे को लगा सुबह की तरह होगी सबकी सब मुआ ढके। ऐसा क्या काम करती हो रात में जो सुबह में इतनी शर्म आती है तुम लोग को? रात में बोले तो एकदम नट्टा पट्टा, सुबह में गुंगड पट्टा। मीन नहीं ती अतलीन कड़ी लवा तुझी। ए पाए, पुलिस आज नहीं तो कल पता लगा ही लेगी तुम में से कौन कौन था। लेकिन खुद सरेंडर करोगी तो सजा बहुत कम मिलेगी। तुम में से जो भी लोग आज सुबह कोर्ट में नहीं गए थे वो उधर वो साइड में आ जाए। चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तुमच्या मायला फोकडीच्या नो प्यार से बात किया समझता नहीं तुम लोग को? कौन है बे? है कौन तुम लोग का लीडर? ए पोटोशी, तू तू बोल, बोलना बोल। कौन भेजा तुम सबको उधर कोर्ट में? कौन भेजा? कौन नाम? बोलना बोल। ए भाड़का, रुक उधर, रुक उधर। अंदर डालूंगा। संतोष, राजू का ध्यान रख, तू राजू की शत्रु। चल पीछे, राजू का ध्यान रख, हम इसका ध्यान रखते हैं। डाल दे इसको अंदर। चल चल चल, डाल दे। रुक आशा, मत जा। आई बाहर, पुलिस आई है, मुझे देखना है वो क्या करेगी। तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है आशा? ए माता रे, आयो माता रे। चल भी बहन के अंदर। मैंने क्या किया? भूल गई, बल्ली पे सबसे पहला कंप्लेंट तूने ही डाला था ना। उसने जो किया वो भूल गए? तो बीच आज उसे मार के अपना बदला ले लिया ना तूने, राज माता। चल चल वैन में चले, डाल दे इसको अंदर। अजी, जाने दो। अजी, नहीं। आराम से, आराम से। जान दे अंदर। तू किधर जा रही है? मैं उनके साथ जाऊंगी। नहीं आशा, तेरा बाहर रहना बहुत जरूरी है, यानी आगे क्या क्या होगा।
राणे इसे ले जाओ चलो बहुत प्यार है ए इन दोनों को भी जाने दो तुम भी आओ उनके साथ जाओ चलो कितना हो गया टोटल 5 तू चली गई तो इनको कौन बचाएगा कौन हो तुम लोग क्या चाहिए ड्यूटी पर इंस्पेक्टर कौन है वो बिजी है बोलो मेरे को बोलो हम सब राही नगर से आए हैं जिन औरतों को पकड़ा है उनके घर वाले इंस्पेक्टर से बात करना चाहते हैं वो नहीं मिल सकते अभी तुम लोग जाओ निकलो ए जाओ तुम लोग जाओ जाओ आप ऐसे किसी को उठा कर नहीं ला सकते उन औरतों ने कुछ नहीं किया है आपके पास वारंट भी नहीं है वारंट चाहिए तेरे को अब बिना सबूत किसी को अंदर नहीं रख सकते बिना सबूत चल चल तेरे को बिना सबूत अंदर डालती हूँ चल सबूत ताबूत सब देती हूँ चल ना रुक मैं समझाती हूँ ए भाई घर जा नहीं तो तू सीधे जाएगी अंदर आज मालूम है ना सुबह क्या हुआ है एक आदमी को सरेआम काटा है कोई 100-200 की चोरी नहीं हुई है ये हमारा रूटीन छानबीन है सब भाई लोग को पूछताछ करके वापस घर भेज देंगे समझी अभी तू जा चल निकलो सब लोग उसको लेके जाओ चल जा आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ये दूसरी गेट से चल Seven rape cases are reported in India daily, yet the conviction rates are negligible. WRC is a quasi-judicial entity that's created to give such victims a fair chance. That's really amazing. But how do you do that? Well, a very function is to examine and investigate matters related to safeguards for women. Sorry, ma'am. I'm Deshmukh sir. Urgent hai. Sorry, 1 minute. Hello? Deshmukh sir. पूर्णिमा जी लगता है आपके इलेक्शन टिकट का इंतजाम हो गया है एक्सक्यूज मी कंफर्म न्यूज़ है देशमुख साहब पूर्णिमा जी ये नागपुर की राजनीति में समुद्र मंथन का समय है अब आप देखिए आप इसमें से अमृत पा सकेगी या हलाहल समझ गए देशमुख साहब आई लुक इनटू इट ओके मेघा पुलिस ने उन लेडीज को अरेस्ट कर लिया दे विल बी फाइलिंग द चार्ज शीट सून एंड ये केस कोर्ट में जाएगा हमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी होगी गेट मी अ लिस्ट ऑफ नागपुर एसोसिएट्स एंड बुक मी ऑन द फर्स्ट फ्लाइट टू नागपुर लेकिन मैम कमेटी को हेड कौन करेगा
देखना नारायण, एक दिन ये पौधा बड़ा होके कितनी छांव देगा। अरे तुम्हारा फोन बज रहा है। ओके ओके। फिर कहीं रख के भूल गए क्या? हेलो। हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। पुलिस की मर्जी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। पुलिस की मर्जी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी। हम इस समय विजयनगर पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। कल बल्ली चौधरी हत्याकांड के बाद पुलिस ने 5 महिलाओं को राही नगर से गिरफ्तार किया। पुलिस की मर्जी नहीं चलेगी। बस्ती वालों का कहना है कि ये 5 औरतें पूरी तरह से निर्दोष हैं और इन्हें जबरदस्ती उठाकर ले गई है पुलिस। क्या हो रहा है सब? अरे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर, और क्या होगा पुलिस स्टेशन। नाटकरी सर ने कहा था ना कि मीडिया तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए, और तुमने यहाँ पूरा सर्कस खुलवा दिया है। हाँ सर ने ये भी तो कहा था 2 दिन में चार्जशीट बननी चाहिए। अरे सर ये मीडिया वालों का आप टेंशन मत लीजिए, यार लॉकअप में कोई चिखता भी है ना तो बाहर वो भोंकने लगते है। नेशन वॉन्ट्स नो, पब्लिक वॉन्ट्स नो, ऐसा वो। अभी किसी और केस की लीड मिल जाएगी तो ये सब छोड़कर उधर भाग जाएंगे। पुलिस की मर्जी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। पुलिस की मर्जी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की मर्जी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घबराइए मत, अब मैं आ गया हूँ। हम सब लोग मिलकर इस पुलिस के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और देखिए ये लोखंडे हमेशा आपके साथ है, मरते दम तक। चलो हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। लोखंडे कौन है ड्यूटी पे? ड्यूटी पे कौन है? अरे लोखंडे साहब क्या झालं काय है, काय प्रॉब्लम काय है? अरे हमारे लोग बाहर धूप में जल रहे हैं। क्या समाधान है पुलिस के पास? उनकी समस्या का है क्या कोई? नहीं नहीं, तो ये सब आपके लोग हैं। हाँ हम इनके लीडर को ही तो ढूंढ रहे थे। चलिए अच्छा है आप खुद चल के आ गए यहाँ। पाटिल सर वारंट निकालो मर्डर सस्पेक्ट्स के लीडर के नाम का। लोखंडे है ना, पूरा नाम क्या है? शशिकांत बाबा साहेब लोखंडे। ये सब क्या है? हा? क्या है सब, इसका मतलब क्या है? मतलब ये आपके लोग हैं कि नहीं, आप इनके लीडर हो कि नहीं? हाँ लेकिन डायरेक्ट लीडर नहीं है। हाँ तो नेताजी डिसाइड कर लो ना, आप हो कि नहीं इन सबके लीडर। सितंबर को जो फाइल की थी किसकी, क्या कौन काका के नाम? आशा भाई एक वकील आए हैं बेल के लिए हमारी मदद करने। कौन? आशा आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ मैं इन्हें इंग्लिश पढ़ाता था। कैसे है सर आप? सर सर जैसे कि मैं कह रही थी ये केस अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी। उर्णिमा जी केस काफी सेंसिटिव है पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। 124 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, अगर मॉब लिंचिंग से फैसले होने लगे तो पूरा जुडिशियल सिस्टम खतरे में आ जाएगा। आई एग्री सर, एंड तभी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमें इस केस की रियलिटी को बाहर लाने में मदद करेगा, इन औरतों को जस्टिस। फैक्ट्स आर नेवर एनीबॉडीज फ्रेंड्स, और जस्टिस कोई दिवाली की बची हुई मिठाई है नहीं जो आप जिसे चाहे जितना बांट सके। Why do you want me to head this committee? सर वो you know, आपका लीगल एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज इस केस को पुलिस के वन साइडेड नरेटिव से बचा सकता है। ये औरतें बहुत ही ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं सर, वी वांट टू गिव देम अ फेयर ट्रायल।
और frankly speaking, आपके स्टेचर को ये सिस्टम इग्नोर नहीं कर सकता. मेरा स्टेचर? Yes, as a celebrated retired judge. आपका मतलब है retired दलित जज? I'm sorry sir, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था. I'm really really sorry. It's implied, पूर्णिमा जी, never spelled out. खैर, कौन कौन है आपके इस कमेटी में? अनवर शेख, यंग एंड अपकमिंग लॉयर एट सेशंस कोर्ट, माइनॉरिटी केसेस के स्पेशलिस्ट. अभिनव अवसरे, नागपुर यूनिवर्सिटी में मैथ्स प्रोफेसर, अपना ज्यादातर टाइम सोशल कॉजेस को डिवोट करते हैं. और पूर्वा साहनी, सीनियर रिपोर्टर. इनके हिसाब से ऑन फील्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही असली जर्नलिज्म होता है. एसी ऑफिसर्स में बैठकर सिर्फ फेक न्यूज बनाई जाती है. ये सब क्यों निकाल? अरे सर आएंगे, थोड़ा सा तैयारी मैंने सोचा करके रख लेते हैं. और लेकिन सब हाय, हम पूर्वा प्रोफेसर अवसरे. अरे आपको कौन नहीं जानता, सुबह सुबह आपकी आवाज सुन ले तो बच्चा भी घबरा जाए, कहीं आप उसे आरोपी ना बना दें. एडवोकेट अनवर जी, गलत करने वाला और गलत का साथ देने वाला अक्सर मुझसे डर जाता. मुझे लगता है कि हम लोगों को इस केस से संबंधित बात करनी चाहिए. काफी क्लियर है, ओपन एंड शट केस है पुलिस फेलियर का. मैं शुरू से फॉलो कर रही हूँ. मेरे कुछ जानने वाले थे उस दिन कोर्ट में, उन्होंने औरतों का एक बहुत बड़ा झुंड वहां से भागते हुए देखा था. अब ये फैक्ट तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. रिपोर्ट तो पड़ी होगी ना? अरे सर आप पहले से ही आए, मुझे लगा अभी आप आएंगे. सर सॉरी योर ऑनर, इट्स एन ऑनर टू मीट यू. मैंने आपका एनवायरमेंटल वायलेशन केस बहुत क्लोजली स्टडी किया है सर. इट वाज सच अ लैंडमार्क जजमेंट सर. मैं शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ. धूल भरी हर चीज को हमेशा घर से बाहर लाके झाड़ा जाता है. हमारी आंखों पर और दिमाग पर धूल चढ़ी रहती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस केस से जुड़ी हर प्रेजुडिस को और अपनी पूर्व धारणाओं को प्लीज कमरे से बाहर रख दीजिए. आई एग्री विद यू सर, बट पुलिस के पास एक विटनेस नहीं है, कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं है. पहले अपनी कस्टडी में एक अपराधी की मौत नहीं रोक पाए और अब रैंडमली बिना किसी सबूत के 5 महिलाओं को उठा के ले आए. सर लॉकअप में इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं. आपको कैसे पता कि पुलिस के पास कोई विटनेस या एविडेंस नहीं है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर 5 के तहत पुलिस सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल अरेस्ट कर सकती है एंड विदाउट एनी वारंट. इतना तो आप जानती होंगी. एंड माइंड यू, पुलिस कस्टडी में किसी की मौत नहीं हुई है बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है, और वो भी कोर्ट के ठीक बीचों बीच. ये केस सिर्फ पुलिस फेलियर का नहीं है, ये हमारे पूरे लीगल सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है. कमिंग बैक टू दिस ग्रुप, This is a fact-finding committee. हम यहां जाति, धर्म, संप्रदाय या जेंडर के बेसिस पे कोई जजमेंट पास करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए. Our job is only to find facts. उस दिन घटे हादसे को पूरी सच्चाई से रिपोर्ट करना और जो भी उसके लिए दोषी है उसे सिस्टम के सामने लाना, that is the only job assigned to us. उम्मीद है कि इस कमेटी की भूमिका स्पष्ट हो गई है. जी सर. तो शुरू करें. मैं एक मीटिंग में जा रहा हूं, 1 बजे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. ओके देशपांडे. यस सर. अच्छा हो सर. सर देशपांडे, ये WRC वाले घुस रहे हैं? हाँ सर, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी स्टार्ट की. ओ ब्लडी कमेटी, हु इज हेडिंग इट? जस्टिस जांगले सर. विठ्ठल डांगले? यस सर. क्या हुआ सर? ही कुड बी अ सीरियस प्रॉब्लम.
उसके साथ हमारा रिलेशन हमें बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। वैसे कहाँ से पकड़ के लाए उसे ये लोग? सर रिटायर होने के बाद रिसेंटली नागपुर में सेटल हुए हैं, लेकिन सर मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वो इन सस्पेक्ट्स को लेकर ओवर सिंपैथेटिक बिल्कुल नहीं होंगे। इनफैक्ट वो कोर्ट की सैंक्टिटी को काफी मानते हैं। सो देशपांडे, कानून की किताब में एक सिस्टम लिखा है और ये सिस्टम चलाने के लिए बाहर और एक सिस्टम बना है। डांगली जैसे जो लोग हैं ये सिर्फ किताब के सिस्टम को मानते हैं, इसलिए ये बाहर के सिस्टम के लिए हमेशा खतरा बने रहते। लिसन, यस सर, ये कमेटी की रिपोर्ट टेबल होने से पहले आई वांट द कन्विक्शन डन एंड केस क्लोज्ड। डू यू अंडरस्टैंड? सर इसके तीन बेटा अब चाय लोगे? हाँ, एक शक्कर वाली, एक बिना शक्कर वाली। ठीक। निगाहें कुछ कह रही है, बातें जो अनकही है सुनो ना, होठों पे मन रुका है, लफ्ज ये थम सा गया है, सुनो ना। कितनी बातें हैं कब से, मन भी है भरा तब से, पर ना सूझे हम कैसे कहें। और कोई पेपर तो बाकी नहीं है? नहीं सर। नहीं, बस तारा भाई का एज प्रूफ और कल्याणी की मेडिकल रिपोर्ट, इतने में हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो कल सुबह मिलते हैं। जी। यहाँ तक आ गए हो तो चाय पीकर सुनो, फिर कभी। आजा, एक मिनट रुकना। तुमने कभी खबर भी नहीं ली, ऐसी चली गई बिना बताए? वो मुझे होटल मैनेजमेंट में सीट मिल गई थी मोहाली में। तो तुम्हारी जिंदगी में कोई और था क्या? तुम्हें मैं पसंद नहीं था? तो फिर उमेश हमारे पीछे नहीं हो सकता। क्यों? क्यों मतलब? तुम्हारा ब्राह्मण परिवार एक दलित बहू को अपना लेता? मैं तुमसे प्यार करता था आशा, मेरे लिए इतना काफी था? तुम हमदर्दी दिखा सकते हो उमेश, पर कभी समझ नहीं सकते एक दलित होना क्या होता है। एक ऐसे समाज में जहाँ हर वक्त तुम्हें याद दिलाया जाए तुम सबसे अलग हो, एक दलित हो। आशा, मैं अब अपने पेरेंट के साथ नहीं रहता, लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। जो लोग अपने केसेस की फीस नहीं दे सकते, जिनका केस कोई और नहीं लेता, वो केसेस मैं लड़ता हूँ। समाज को बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। आँखों की गलतियाँ हैं, दिल को जो सहना पड़ा समझो ना। कितनी ख्वाहिशें मन की रह जाती अधूरी ही, कैसी बंदिशें है कैसे कहें। पर ना सूझे हम कैसे कहें। गुड मॉर्निंग सर। अरे समीर, सल्यूट आदमी को नहीं उसकी पोस्ट को किया जाता है, और मैं तो अब रिटायर्ड हूँ। सर ये सल्यूट आपकी पोस्ट के लिए नहीं, ये आपके लिए है, आपकी रिस्पेक्ट के लिए सर, जो हमेशा रहेगी। थैंक यू। अच्छा, ये FFC में मेरे साथी हैं, मिस साहनी, मिस्टर अवसरे एंड एडवोकेट शेख। चलें? यस सर, प्लीज प्लीज कम। सर टोटल 73 वुंड्स हैं,
ज्यादातर घाव इतने गहरे हैं कि हड्डियां तक क्रैक हो गई। हर तरह के पॉसिबल कट्स हैं, जैसे इंसिशंस, पंचर्स, एम्पुटेशन, दोनों कान, सात उंगलियां और जेनिटल्स ऑल चॉप्ड ऑफ। मल्टीपल जगहों से फ्लैशेस के टुकड़े काट के निकाल दिए हैं। सर, मैंने ऐसा मर्डर आज तक नहीं देखा। ये मर्डर नहीं है, इसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। इसे मृत्युदंड दिया गया है। सवाल है क्यों? इस तरह से बॉडी पार्ट्स काटने के लिए बहुत ही शार्प और महीन ब्लेड लगते हैं। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी और उन पांचों को पता था सर उसकी बॉडी पर कहां कहां हमला करना है। ऐसा मारने के लिए उनके पास और भी खतरनाक चीज होगी, कोई मकसद या डेफिनेट मोटिव। सर ये देखिए, सॉरी सर, इसमें से ब्लड रिपोर्ट मिसिंग है। सर वो एक्चुअली जो भी है सच बता दीजिएगा। सर ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस थे। इंटरेस्टिंग। डोंट वरी एसीपी साहब, कोई भी जानकारी सबूत तभी बनती है जब कोई गवाह हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे तीनों साथी इस वक्त यहां मौजूद हैं नहीं, इसलिए अदालत के सामने इट्स जस्ट माय वर्ड अगेंस्ट योर्स। अ पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी, अ गवर्नमेंट डॉक्टर वर्सेस अ रिटायर्ड जज। ऐसी हालत में मैं खुद अपने पक्ष में फैसला नहीं देता। थैंक यू सो मच। कौन है ये? मुसीबत। मुखोल, मुखोल, बोल चल, क्यों मारा मलिक? क्यों मारा? हाँ, तेरे को क्या लगा? तेरे को क्या लगा? उसका मर्डर करके बच जाएगी तू? क्यों मारा उसको? जल्दी, जल्दी बोल। मुखोल, मुखोल, जब तक बोलेगी नहीं ना तेरा टॉर्चर चालू रहेगा। बोल, बोल। हाँ जी भाई, क्यों मारा मलिक को? क्यों मारा मलिक को? बोलो, बोल, मुखोल, क्यों मारा? क्यों मारा मलिक को? जल्दी बोल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पता चला है कि बल्ली चौधरी राही नगर के पास एक गोदाउन चलाता था। सुनने में आया है बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन उसका गोडाउन यूज करते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान रखने के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? जी सर। यस सर। और ये देखिए सर, 10 साल पहले उस पर एक मोलेस्टेशन केस लगा था। उसके बाद इतने सालों तक कुछ भी नहीं। अगर उसकी फैमिली की ये स्टेटमेंट देखेंगे, उनके मुताबिक वो एक साधारण पारिवारिक आदमी है। और ये 40 FIRs इनका क्या? सब की सब एक ही दिन में फाइल हुई है, वो भी अचानक। और मजे की बात सुनिए सर, एक हफ्ते के बाद इलेक्शन अनाउंस होने वाले थे। उस सब से इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, सारी की सारी FIR क्राइम अगेंस्ट वेमन कैटेगरी की है, रेप, मर्डर, मोलेस्टेशन। करेक्ट सर। सर पुलिस के पास कोई चारा ही नहीं था, उन्हें उसे अरेस्ट करना पड़ा। आई थिंक जिसने भी ये ऑपरेशन प्लान करा है। ये कोई ऑपरेशन नहीं था मिस्टर शेख, ये राही नगर में हो रहे पागलपन की असलियत है, उन औरतों की जिंदगी की रोज की असलियत। सर व्हाट इज दिस एटीट्यूड? आई ऑब्जेक्ट, आई वांट एन अपोलॉजी। ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? मिस्टर शेख, ये कोर्ट नहीं है, प्लीज। आई एम सॉरी योर ऑनर। सर आप क्या सोचते हैं? इतने सालों से कुछ भी नहीं और सिर्फ एक दिन में 40 FIR। अब या तो ये सब औरतें झूठ बोल रही हैं, या फिर सर
या फिर 10 साल से उस बस्ती में लॉ ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही थी। सर, ये औरतें कैसे झूठ बोल सकती हैं? क्योंकि ये औरतें हैं। सर, एक आम औरत को अपनी रोज की जिंदगी डिग्निटी के साथ जीने के लिए कई स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, और ये औरतें तो औरतें आम भी नहीं है। राइट राइट सर। सर, हमारे यहाँ सबसे पहले आते हैं खास लोग, फिर आम लोग, फिर मामूली, फिर गरीबी रेखा के नीचे दबे हुए वो करोड़ों की एक भीड़, उसके नीचे आते हैं दलित, उसके भी सबसे नीचे आती हैं दलित औरतें। सर, रख सकते हैं सर, इतनी नीचे से बाहर आवाज आने में 10 साल तो लगी सकते हैं। दलित होना किसी की मोरालिटी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता पूर्वा। पुलिस के हिसाब से वो मुजरिम है, तुम्हारे हिसाब से निर्दोष। सच इन दोनों के बीच कहीं मंडरा रहा है। थैंकफुली लॉ एक्सेप्ट्स ओनली एविडेंस। आप दोनों तुरंत बस्ती में जाके इंक्वायरी शुरू करो, जो भी जितना भी पता चले सब रिकॉर्ड करो। इस पहेली को सुलझाने के लिए इस मुद्दे के हर पहलू को सुलझाना होगा, समझना होगा। उमेश, क्या हुआ? कस्टडी 15 दिन के लिए एक्सटेंड हो गई है। किधर है उन? चलो चलो, जल्दी चलो। चलो जल्दी करो, चलो। तू इधर है, गई नहीं? चली जा, अपनी माँ को भी ले जा। यहाँ से जो निकल पाए वो अच्छा है। तू आगे पढ़ेगी तो मेरे मिली को बाहर निकल पाएगी। जब तक तू और बाकी 2 लोग वापस नहीं आते, मैं कहीं नहीं जाएगी। चलो जल्दी, चलो चलो, रास्ता छोड़ो, चलो चलो। समथिंग इज नॉट राइट। मुझे लगता है इन लोगों ने अंदर अंदर प्लानिंग कर ली है, पायलों को कन्विक्ट करके रहेंगे। कल मीरा का फोन आया था, अगला सेमेस्टर शुरू होने से पहले इंडिया आना चाहती है। बोल रही थी उसे नागपुर एक्सप्लोर करना है अपने बाबा के साथ। नागपुर एक्सप्लोर करना है उसे? पूछो, अमेरिका जाने के बाद खुद का नाम दांगड़े है, अड़ो बोलना भूल तो नहीं गई? तुम भी ना। बोलिए पूर्णिमा जी। सर, आपने न्यूज देखी? हाँ, वही देख रहा था। केस कुछ ज्यादा ही फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। सर, ये इनकी स्ट्रेटजी है, ये बेगुनाह औरतों को सजा दिलवा के केस क्लोज करवाना चाहते हैं बस। लेट्स नॉट जंप टू हेस्टी कंक्लूजंस। हमारी कमेटी रिपोर्ट बना रही है, जल्दी से सबमिट भी कर देगी। आई ओनली होप वी आर नॉट टू लेट। सर साहब, कुछ पता चला? अरे यार, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं, देख रहे हो? साला बड़ी समस्या है। मुझे तो लग रहा है कि इन लोगों ने ना आपस में फैसला कर लिया, इस केस के बारे में बात ही नहीं करना किसी से। ओ भाई, एक चाय दो। अब ये दांगड़े सर को क्या रिपोर्ट देंगे हम?
थोड़ा। एक बात बताओ अनवर, ऐसे पूछ रहा हूँ, एफएफसी रिपोर्ट से कुछ होगा क्या? क्यों? अरे मतलब ये जो अन्याय हुआ है दलितों के साथ, ये तो हजारों सालों से चल रहा है, छोटी मोटी रिपोर्ट से समाज की बीमारी खत्म होगी? अचानक ये? अरे मैं कई कमेटियों का मेंबर रहा, बहुत सारी रिपोर्टें देखी हैं, उनका हश्र भी देखा है, इसलिए ना दिमाग में सवाल उठते हैं। हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए बस्ती वालों के उस लीडर को पकड़ना बहुत जरूरी है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये आशा है, बस्ती में ही रहती है। I've convinced her to speak to you. सर, हमारी भाई लोगों को पुलिस जबरदस्ती करके उठा कर ले गई, हमें मिलने भी नहीं दे रही, शायद कोर्ट में ले जाकर सजा दिलाने का प्लानिंग है। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन कोर्ट ऐसे प्लानिंग करके किसी को सजा नहीं देता। सर, कोई हमारे साथ नहीं है, आप प्लीज हमारी मदद करिए, आप खुद एक दलित परिवार से। देखिए, यहाँ इस तरह की बातें मत कीजिए, हम एक संगीन अपराध की जांच कर रहे हैं, यहाँ किसी जाति के आधार पर कोई रिपोर्ट नहीं बनेगी। बोलिए। लेकिन आप तो दलित। मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं, मेरी या अपनी जाति के बारे में कुछ मत बोलिए। मर्डर के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहती हैं तो उतना बताइए प्लीज। आशा, तुम पर बल्ली चौधरी ने अटैक किया था, सर को सब कुछ डिटेल में बताओ। जाति के बारे में क्यों ना बोलूं सर, मैं हूं दलित परिवार से, बस्ती की सारी औरतें दलित परिवार से हैं। आप कोर्ट की बात कर रहे, हमें किराने दुकान का बनिया अंदर तक नहीं घुसने देता जब तक उसकी दुकान से बाकी खरीदार बाहर ना निकल जाए। पुलिस के पास जाते तो गंदी गंदी गालियां देकर थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है तो हम हर बार अपनी जाति का मुद्दा क्यों नहीं बनाएंगे? और आप खुद एक दलित होकर न्यायदान करते समय मैं किसी जाति या धर्म को नहीं मानता। इतना ही नहीं, हमारे देश का संविधान ही मेरा धर्म है और इस संविधान का एक एक शब्द मुझे याद है। ये सब ऊंची जाति वाले लोग कहे ना, बहुत सुंदर लगता है सर, लोग तालियां भी बजाते, लेकिन राही नगर का एक मजबूर गरीब दलित ये बोले तो उस पर लोग सिर्फ हंसेंगे। मैं समझ गई, आप हमारी कुछ मदद नहीं कर सकते। एक बात बोलू सर, संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना काफी नहीं है, उनका इस्तेमाल होना ज्यादा जरूरी है। प्लीज स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स योर ऑनर। यहीं इसी कोर्ट रूम में अभी कुछ ही दिन पहले एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसे ना सिर्फ इस शहर बल्कि इस देश ने भी न कभी देखा था न सोचा था। एक संदिग्ध अपराधी कोर्ट के सामने पेश होने के लिए इस कोर्टरूम में लाया जाता है। अभी तक कानून ने उसे मुजरिम करार नहीं दिया था, He was innocent until proven guilty. लेकिन योर ऑनर, उसकी सुनवाई शुरू हो ही नहीं पाई। इससे पहले कि अदालत का काम शुरू होता, 200 औरतों का एक झुंड अचानक इस कोर्टरूम में घुस आया। एक साथ उन्होंने अपराधी को घेर लिया और देखते ही देखते उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, एक बनी बनाई साजिश के तहत उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका कटा हुआ अंगूठा यहां, यहां 8 दिन बाद यहां इस कॉर्नर में पाया गया था। क्या पता उसके शरीर के और भी टुकड़े आज तक इस कोर्टरूम के किसी कोने में पड़े हो। इस पूरे हादसे को और बारीकी से जानने के लिए मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुरेश पाटिल को बुलाना चाहूंगा। एसआई पाटिल,
इन्होंने ये पूरी घटना खुद अपनी आंखों से देखी। इतना ही नहीं, जब इन्होंने बीज बचाव करने की कोशिश की तो औरतों के उसी झुंड ने इन्हें भी बड़ी बेरहमी से मारा। एसआई पाटिल, प्लीज कोर्ट को बताएं शुरुआत से उस दिन क्या हुआ। सर, उस दिन ना कोर्ट में घुसते ही एक अलग सा रश देखा हम लोग। ये पाटला, सरकार ने कचहरी में मेला रखा है क्या? ये झटक, तेरे को पक्का झूला झुलाएंगे फांसी का। उस दिन ना हमारा वाला केस सबसे पहला था लिस्ट में, तो पूरा रूम, मतलब पूरा का पूरा रूम एकदम खाली था। आओ। ए शाने। का पाटिल साहब, चल इधर बैठ, चल। एक कड़क चाय तो पिलाओ। सरकारी मेंबर है अपन अब तो। सरकारी जावई। Your Honor, जिस दिल दहला देने वाली बर्बरता से यह हत्या की गई है, उसके सामने अदालत से दी जाने वाली कड़ी से कड़ी सजा भी कम पड़ेगी। WRC ने इस मामले में एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमिटी को फॉर्म किया है। हालांकि इस कमिटी ने अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, फिर भी मैं इस कमिटी के एक मेंबर को, प्रोफेसर अभिनव अवसारी को इनवाइट करना चाहता हूं यहां, इस होप में कि शायद वो इस मामले पे कुछ रोशनी डाल सके। ऑब्जेक्शन, ये इंक्वायरी एक्स्ट्रा जुडिशियल है और उनकी फाइंडिंग्स और रिपोर्ट इस केस में वैसे ही मान्य नहीं है। WRC, विमेन्स राइट कमीशन, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड काशी जुडिशियल बॉडी है। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, जैसे मेरे होनहार दोस्त जताने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट योर ऑनर, इनका इस बात पर ऑब्जेक्शन करना, ये इनके अपराध बोध को और इनके डर को साफ साफ दिखा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोफेसर अवसरे, क्या आपकी कमेटी ये जानती है कि बल्ली चौधरी की हत्या यहाँ इसी कोर्टरूम में हुई थी? जी हाँ। क्या आप अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के दौरान राही नगर गए थे? क्या वहां के लोगों ने आपको कुछ बताया? हम लोगों ने कोशिश की थी। सॉरी, कोशिश की थी मतलब? मतलब ये कि हम लोग वहां गए थे, वहां के लोगों से बात की। तो देन मे आई आस्क यू कि उन लोगों ने आपको क्या बताया? वो वहां के लोगों से बल्ली चौधरी, नहीं नहीं, बल्ली चौधरी छोड़िए, बस्ती वालों ने आपसे क्या कहा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब कि कोऑपरेट नहीं किया। हम लोगों ने काफी समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। वो चुप है क्योंकि वो डरे हुए हैं। एग्जैक्टली, यही तो मेरा पॉइंट है। डरता कौन है? डरते वो लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता। वो डरे हुए क्योंकि वो गरीब है, पावरलेस है। उनकी औरतों को उनके घर में घुसकर जबरन उठा लिया गया, जेल में टॉर्चर किया गया। अब इन्हें सजा दिलवाने के लिए नाटक किया जा रहा है। अपने आप पर काबू रखे एडवोकेट जोशी। मैं माफी मांगता हूँ।
मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि जो हुआ वो बहुत गलत है, हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारी पुलिस की एफिशिएंसी पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, पर इस सब का मेरे 5 क्लाइंट से क्या लेना देना है? मेरे फेमस ओपोनेंट ने खुद कहा है उस दिन यहाँ 200 से ज्यादा औरतें थी, इन्हें किस बिना पे गिरफ्तार किया गया? मैं सुरेश पाटिल से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि किस सबूत की बिना पर आपने सिर्फ इन 5 औरतों को गिरफ्तार किया? सर आप, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू योर ऑनर, प्लीज प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू। क्या सबूत है आपके पास कि ये 5 औरतें उन 200 औरतों में शामिल थीं? मैं खुद देखा ना इनको, ये यही 5 औरतें उस दिन मेरे पे भी हमला बोली थी ना, मैं खुद अपनी आंखों से इनको देखा था। और सिर्फ मैंने ये, जज साहब वो क्या है ना, उस दिन हमारे साथ और एक अंडर ट्रायल था राजू गुप्ते, वो भी मेरे जैसा कोशिश किया था ना बल्ली को बचाने का, वो भी देखा है इनको। आओ ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 5 आरोपी ताराबाई कामले, कल्याणी, प्रतिभा, ज्योति और संगीता पर लगाए सभी आरोप सही पाए गए हैं और आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 और सीपीसी की धारा 354 के सब सेक्शन 3 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अब तुम इतना उदास मत हो जाओ, ये कोई लीगल प्रोसीडिंग तो थी नहीं, तुमने की कोशिश, नहीं उन लोगों ने साथ दिया तो तुम क्या कर सकते थे? जो जजमेंट आना था वही आया। चलो खाना खा लो, आराम कर लो। A celebrated Dalit judge. ये टैग हमेशा मुझे बहुत परेशान करता था। मुझे लगता था कि ये बोलकर मेरी अचीवमेंट्स को बाकियों से कम आंका जा रहा है, इसीलिए शायद आई ट्राई टू गो बियॉन्ड द होल कास्ट डिबेट। अब बस करो ना।
सक्सेसफुल दलित से सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने की कोशिश में बहुत कुछ छूट गया हाथ से। मैं भूल गया था कि दलित का कई गांव नहीं होता। आई हैव नो होमलैंड, आप ही ने कहा था गांधी जी से। उन पांच औरतों में से एक बिल्कुल आई जैसी थी, रुक्मिणी। देर आर लूप होल्स इन लॉ, लेकिन फिर भी उसका एक मकसद होता है। हर किसी को अपनी बात फेयरनेस के साथ रखने का मौका दिया जाए। एफएफसी की रिपोर्ट लीगल एविडेंस ना भी होती तो इन पांचों औरतों को एक मौका मिल सकता था। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि द लॉ हैज पेड देम। आई हैव पेड देम। हमने सुना तुम लोगों ने क्या किया, नुन्नी भी काट डाला ना उस साले का। अच्छा किया। दलित हो ना, डरो नहीं। ये जेल बाहर की दुनिया से अच्छी है। यहां कोई दलित नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। मुझे आज लेटर आया है मेरे ऑफिस से। लिखा है 2 दिन में वापस ज्वाइन करना होगा, वरना टर्मिनेट कर देंगे। क्या सोचा है? पता नहीं, वहां सब अलग है उमेश। ये बस्ती की आशा कहीं खो जाती है वहां पे। तुम्हें चले जाना चाहिए, अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिला है तुम्हें। और बस्ती के भाई लोग, उनको जेल में जिंदगी काटने के लिए कैसे छोड़ सकते? मैंने हाई कोर्ट में अपील का प्रोसेस शुरू किया, एक बड़े वकील से बात भी की है। पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो सब मैं कर लूंगा। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैंने उन्हें फोन करके मना कर दिया। वहां सब अच्छा है उमेश, लेकिन वो सच नहीं है। मुझे यहाँ अपने सच को अच्छा करना है। अब मैं किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू आ जा। क्यों? विजिटर। चल ठीक है, कोई बात नहीं। वो देख, तेरे से कोई मिलने आया। त
ताराबाई, हम लोग WRC से हैं, आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। आपका केस है ना, उस पर रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट? जी। हम लोगों को तो सजा हुई है उम्र कैद। हाँ, लेकिन वो अब किस बात का रिपोर्ट? दरअसल कामड़ी मैडम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उस दिन बल्ली चौधरी को क्यों मारा गया? खुशबू वाले साबुन से नहाते हो, हा? साफ कपड़े पहनते हो, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हो, आप नहीं समझोगे। ये मिली ने भेजा है आपके लिए, कह रही थी आपको बता दें कि उसके 92% मार्क्स आए हैं। दुर्गा सेठ के इधर के हैं, आपको पसंद है बोल रही थी। पेड़ा खा ले, हाँ? कि माँ को नहीं बोलने का। मेरी बेटी रितु 8 साल बाद कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने आई थी। हम सब बहुत खुश थे, मिली पहली बार मेरे पास इतने दिन रुकी। कामले गई? हाँ। रितु, क्या हुआ रितु को? वो पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन? वो तो बाजार गई थी। लेकिन बल्ली ने उसे रोका और उसने उसको थप्पड़ मारा। अरे देवा, कब हुआ ये? मालूम माहिती ने, पर अर्धा तास चला से। कहाँ है वो अब? पता नहीं मुझे। तुम ऐसा करो, तुम मिली को लेकर घर जाओ। हाँ, मैं देखती हूँ क्या करें। नहीं नहीं, तुम घर जा, मैं देखती हूँ। हाँ, कम लगे। चुतिया लोग, अब जिस जिस को पुलिस में जाना है, अभी जिसको पुलिस चौकी जाना है जाओ, मैं नहीं रोकेगा। आई शपथ, मैं नहीं रोकेगा। तू जाएगी लौड़ी जैसे ये गई थी, तू जाएगी मातारी, तुझे तो 10 साल लग जाएंगे जाता जाता। रितु पुलिस में गई करके उसका इज्जत लूटा, फिर उसको काट दिया सबके सामने। उसके बाद मिली का बाप उसे लेने कभी नहीं आया, वो मेरे ही पास रही। कितना मार्क मिला है मिली को? 92। होशियार है पुरगी, बिल्कुल माँ के ऊपर गई है। जिस जिसने FIR दर्ज की है, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। सर, वो लोग नहीं आएंगे हमसे मिलने। तो हम लोग जाएंगे। ठीक है, हमारा आने का कैसा हो, बली चौधरी केस के बारे में आपसे बात हुई थी? हाँ, एप्लीकेशन फाइल कर दी है, फास्ट ट्रैक करवानी थी। इस बार एक बड़े वकील के साथ जाना चाहते हैं। बड़ा वकील क्यों, तू है ना? हाँ सर, लेकिन वो हाईकोर्ट का मामला है ना, भाई लोग की जिंदगी का सवाल है, रिस्क नहीं ले सकते। तू पूरा वकील है ना,
इसी तरह घिसा घिसा काम चल रहा है। सर इन लोगों ने मुद्दे को पूरा दबा दिया है सर, हमें वापस आवाज उठाना है सर, मीडिया में पूरा केस बताना है सर, बस्ती के भाई लोगों को न्याय दिलाना है सर, आपकी हेल्प लगेगी सर। देखो हमारे औरतों को मेरा पूरा समर्थन है, लेकिन न्याय का क्या? हाँ न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मांगने से नहीं मिलता है, हाँ पावर पे आने के बाद मिलता है। अभी देखो इलेक्शन चल रहा है तो थोड़ा सोच समझ कर बात करना पड़ेगा। वकीलों क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? केयरफुल केयरफुल होके करना पड़ेगा। और क्या है, पावर पे आने के बाद है ना तो ही चांस मिलेगा। अभी सीटों की बात चल रही है शेयरिंग की, हाँ और क्या है, न्याय मांगते मांगते ऐसा ना हो कि न्यायाधीश का मौका ही खो दे। क्यों? लेकिन तब तक भाई लोगों का क्या, वो जेल में? अरे जेल में सेफ है, हाँ वो बल्ली चौधरी है ना तुम्हारा, मर गया अभी क्या, चल। लेकिन सर ए देख, गलत टाइम पे गलत मांग नहीं करने का समझा, थूक कर चाटना पड़ेगा। ए वकील समझा ना इसे, आप रिस्क नहीं ले सकते, समझा समझा इसको। लेकिन सर नमस्ते, हमारा नेता कैसा हो? नमस्ते, कैसे ये केस तक कैसे पहुंच गया मामला? सर ये वो आशा सुरवे करवा रही हैं, और वैसे सर विठल डांगले भी जेल में कन्विक्ट से मिलकर आए हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ही इज अ वेरी डेंजरस मैन। भाई ये आशा सुरवे कौन है? सर वो एक राही नगर की एक्टिविस्ट टाइप है। पहले कभी सुना नहीं इसके बारे में, यू माइंड नीड टू कंट्रोल हर। सर मीडिया फोकस अभी भी काफी ज्यादा है, अननेसेसरीली और अटेंशन मिल जाएगी केस को। उसके ऊपर नजर रखो, मैं ये अपील के बारे में देखता हूं। सर हाईकोर्ट ने ये केस रीओपन कर दिया तो पुलिस की क्रेडिबिलिटी की धज्जियां उड़ जाएगी। आई नो सर। देशपांडे इसे खत्म करना होगा। सर नमस्कार, या ना सर। सर हळू बसा सर। सर कुछ पानी वानी लेंगे? चलेगा। अरे वाह, ये कौन पढ़ रहा है? सर मैं। सर ये मिली है ताराबाई जी की पोती। आओ पानी। आज क्या पढ़ा तुमने? हर मानव शरीर का निर्माण कोशिका यानी सेल से होता है। कोई भी दो व्यक्ति दिखने में कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन सेल्यूलर लेवल पर यानी कोशिका स्तर पर हम सब एक समान हैं। आ जाओ नेहा, घबराओ मत। सर ये आशा की दोस्त है, हमसे बात करना चाहती है। अच्छा आओ सर जी। जी आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। नेहा ये दांगली सर है, इनको बताओ जो जो तुम्हारे साथ हुआ और बाकी बस्ती की औरतों के साथ हुआ। मिली बहुत होशियार है सर, अक्खी बस्ती को लगता है वो बहुत आगे निकलेगी, मोटी डॉक्टर बनेगी। लेकिन सर वो अब भी रात में चिल्ला के उठ जाती है। जिस दिन से ऋतुताई को मरते देखा है, हम सब एक बुरे सपने में जी रहे सर। अरे बड़ा राही नगर की पोटियां जवान हो रही हैं। सट मार, यहां आओ तो माहौल देख के जाने का मन ही नहीं करता। रही अपने ए बड़ा बड़ा दारू मंगाओ, मुर्गी का इंतजाम हो गया।
अब बलि को किसी का डर नहीं था, वो जब जिससे चाहे पकड़ के ले जा सकता था। कितने परिवारों के साथ हुआ ये सब? पहले कुछ साल के बाद लोगों ने गिनना बंद कर दिया सर, ये सब की आदत हो गई थी सबको। लेकिन हर मिनट इस तरह डर के रहने से सब परेशान हो चुके थे। जिस किसी लड़की पे उसकी नजर पड़ जाती थी उसके घर वालों को खबर देते थे, उस घर से किसी ना किसी को खुद चलकर उन लोग के पास जाना होता था। ऐसा करने से वो बस्ती में आकर मच नहीं करेगी, ऐसा बोला था। 10 साल तक यही सिलसिला चलता रहा, मगर कैसे? आशा सुरवे दोस्त है तुम्हारी, उसके आ जाने के बाद अचानक इतने सारे लोग पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गए? आशा बहुत साल पहले बस्ती से चली गई थी, उसको नहीं मालूम था यहाँ पे सब कैसा हो चुका है। जिस दिन वो अचानक वापस आई थी उस दिन भली के आंच जाने की बारी आई थी। मेरे परिवार की तू नहीं जाएगी, तू चुप कर, पागल जैसी बात मत कर। आई तू नहीं जाएगी इस बार, पूजा को बचाना है ना, मैं कर लेगी। तू जानती भी है क्या बोल रही है तू? हाँ, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे। मैं तेरे को जाने नहीं देगी, बस। मैं भी किधर नहीं जाने देगी तू मौसी को? क्या नहीं पहचाना? अच्छा तू, चलो अच्छा है, नाम तो याद है दोस्त का। तू क्यों आई इधर? हलकट, सालों बाद वापस आने वाले को ऐसे बोलते? मावशी कुछ सिखाया नहीं क्या इसको? अरे बेटा ये तो ऐसे ही, तू आ ना, बैठ, आ बैठ ना। तूने आने की खबर नहीं दी? उसी में तो मजा है ना मावशी, ऐसे सरप्राइज देने का। दादा आप कैसे हो? ठीक। अच्छा तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं जरा जाके आती हूँ। नहीं आई तू बैठ, मैं जाएगी। आशा तू आराम कर, मैं तेरे को आकर मिलती हूँ बाद में, ठीक? इधर जाएगी, रुक। अहिले पूजा है ना, बाप रे कितनी बड़ी हो गई, खूब सुंदर दिखते हो मौसी। इसको संभाल के रखना, आजकल जमाना बहुत खराब है, इसके जैसी नहीं है सड़ेली शक्ल। <बादा? laughs> क्या हुआ मौसी को? आशा मैं तेरे को, तू जा अभी कर जा, मैं तेरे को आकर मिलती हूँ बाद में। कुछ नहीं करेगा, हम सब तेरा ख्याल लोगे। नमस्कार, प्लीज
था इसको? अरे राही नगर का कप्पा माल फालतू होते जा रहे। अरे बस्ती वाले बहुत ज्यादा तरी पोहा खिला रहे क्या? बल्ली इस बार पहले मैं। लास्ट टाइम तूने बोला बल्ली पहले मैं राने ले, फिर तू कवर लेगा। पाचा पास अच्छा अच्छा ना अच्छा किया जो मार दिया हरामजादे को। लेकिन आज के दौर में शहर के बीचों बीच ये सब कैसे चलता रहा? होगा किसी बड़े आदमी का हाथ उसके ऊपर, और क्या। वो नागपुर का केस का क्या स्टेटस है सर? रिपोर्ट ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेशर डलवा के केस फास्ट ट्रैक करवाया। अब अपील से पहले हम लोग, मुझे लगता है कि अब हम जो कर सकते थे वो कर चुके हैं सर। देखिए कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, अब अपने ही सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर हम क्या हासिल करेंगे? उन 200 औरतों की झुंड बनने से नहीं रोक पाया प्रशासन। अच्छा हुआ वो सभी 200 औरतों को उम्र कैद नहीं हुई। लेकिन वो औरतें निर्दोष हो सकती हैं। पूर्णिमा जी, FFC क्यों बनाई थी आप भी जानती हैं और हम भी, इसलिए अब हर जगह ये महिलाओं का नारा लगाना सीमित करें। कहीं ऐसा ना हो जाए हम आपको टिकट तो दिलवा दें लेकिन आपका पॉलिटिकल करियर टेक ऑफ लेने के पहले ही ध्वस्त होता है। राजनीति में समय और हालात अनुकूल होने पर ही मुद्दा उठाए। रूलिंग पार्टी ने उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर दिया है हमें, कल के अखबार में हमारा उत्तर पढ़ लीजिएगा। फिर आशा ने क्या किया? मेरा मतलब है कि जब तुम्हारा पीछा कर रही थी उसके बाद क्या हुआ? सर आशा बहुत साल बाहर थी तो उसके लिए दुनिया बदल चुकी थी, वो यहाँ के हालात समझ नहीं पाई। मरवाना चाहती है हम सबको तू? क्यों, पुलिस के पास गई इसलिए? तेरे को मालूम है अब क्या होगा? आपको पता है उन लोगों ने आपकी बेटी के साथ क्या किया है? बस 4 दिन बाहर गांव के रह के हम सबको पट्टी पढ़ा रही है तू? घर घर जाके पूछ उनके बेटियों के साथ क्या किया उन लोगों ने, फिर भी हम जी रहे हैं ना? आशा, हम सबको छोड़ दे आशा, आशा। पुलिस वाले मेरे कोर बस्ती की सारी औरतों को रंडी बोले, गंदी गालियां बके। आप सब इतने टाइम से कैसे सह रहे हो ये सब? आशा तू नहीं समझेगी, अब तू इधर की नहीं रही, भाग जा। उन लोग आने से पहले भाग जा, अपनी माँ को भी लेके जा, वो लोग किसी को नहीं छोड़ते। मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है। आशा चली जा इधर से, वो सच में हमको मार देंगे। ये आशा का घर किधर है? हेलो हेलो
पोस्टमैन। फक तो बोलो अपन, देख अपन एक दूसरे को जानते भी नहीं है। देव मानू से मैं देव मानू कुछ नहीं करेगा। चल तू कुंडी खोल, धक्का भी मार तो है। खोल खोल ए मार ना। इधर आ, रुको समझ आएगा। हट हट, आंख बंद कर, चल आंख बंद कर, करना ये आंख बंद कर गांडू। इसको लप्पा छप्पी खेलने गए। मैं तो चैंपियन है। ओके आंख बंद है ना। शंबर नौवद आईची मौशीची भेंची आलो। चालीस एफआईआर दर्ज हुए। पुलिस को पहली बार बल्ली को अरेस्ट करना पड़ा। एफआईआर तो छोड़ो, बस्ती वालों से उसे बचाने के लिए पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। पहली बार सर भीड़ बनकर बल्ली का सामना किया था हम लोगों ने। पहली बार ऐसा लगा कि हम भी जिंदा है, हम में भी ताकत है। चाची जी, स्टेटमेंट्स। थैंक्स। ये क्या है? इसमें भाई लोग की रिहाई है। बल्ली के गोडाउन में जितने भी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के इलीगल स्टॉक होते थे उसकी खबर मिल गई है इसमें। आशा, ये फाइल पूरा केस पलट देगी। रिटन एविडेंस है ये बल्ली के पॉलिटिकल प्रोटेक्शन का। मतलब भाई लोग बच जाएगी? आशा, ये केस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट है। पिछली बार मैं घबरा गया था, लेकिन अब नहीं। अब सिस्टम के हिसाब से ही सिस्टम को हराऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। आशा, मैं हेलो। हाँ तो मानी जी, जी जी मैं यही हूँ। आ जाइए। ये केस खत्म हो जाने के बाद मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं भी सुनना चाहती।
हाँ सर, काम हो जाएगा, हम लोग पहुंचने वाले हैं। दिखाइए क्या पेपर है आपके पास। सर बिजनेसमैन हूँ, फ्री में तो किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, इसके लिए भी कुछ देना पड़ेगा। देखिए बहुत गरीब हैं ये लोग, मैं भी फ्री में काम कर रहा हूँ इनके लिए, फिर भी आप बताइए आपको क्या चाहिए, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर दूंगा। देखिए कोर्ट का ऑर्डर तो आ ही चुका है, अब ये रिपोर्ट फाइल करके वी विल जस्ट बी क्रिएटिंग अननेसेसरी कंट्रोवर्सी। इनफैक्ट हम बाकी की औरतों की जान भी खतरे में डालेंगे। वी विल जस्ट बी पुटिंग ऑल द लाइंस इन डेंजर। पर जो हाई कोर्ट में अपील कर केस रीओपन हो रहा है उसका क्या, वहां हमारी रिपोर्ट काम नहीं आएगी सर। देखिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आई एम सॉरी लेकिन इस मामले में मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई एम डिसॉल्विंग दिस फैक्ट फाइंडिंग कमिटी राइट दिस वेरी मोमेंट। आई एम सॉरी सर, आई रियली एम। सर आप कुछ नहीं कहेंगे? रुको मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। मैं उन्हें पहचानती हूँ। आने दीजिए, आने दीजिए उनको। सर ये सुसाइड नहीं हो सकता, कल रात को तो सर ये बुनी बुनाई साजिश है। बिना उमेशी के अपने आप हाईकोर्ट से डिसमिस हो जाएगा। मुझे तो लगता है जानबूझकर उन पांचों औरतों के रिहा होने के सारे रास्ते बंद कर दिए। कई बार हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो जिसे हम खुद खुद कर बना सकते हैं। When there's no way out, the only thing left to do is to go further in. Ma'am, you're right. मैं जानती हूँ कि लड़ाई लंबी होगी, बहुत लंबी, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ लड़ना बहुत जरूरी होती। हाँ मैडम, मैंने आपसे वो केस के बारे में नहीं, पर आप पहले भी कर चुके हो ना ये सब, तो आप फीस की चिंता मत कीजिए, हम लोग आपकी फीस भर देंगे। हाँ बस थोड़ा वक्त लगेगा मैडम। हेलो
हेलो सारी फाइल्स और केस पेपर्स आशा से ले लो। यस सर। आई एम रियली सॉरी अबाउट उमेश। जानकारी के मुताबिक WRC की जिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को एन मौके पर खारिज कर दिया गया था उसके हेड रिटायर्ड जस्टिस विठल डांगड़े अब इस केस को डिफेंड करेंगे। हाई कोर्ट में इस केस को रीओपन करने के लिए अपील की जाएगी। सर झुके झूठ लागे क्यों, मर चुके सब ये लागे क्यों, तोल कर देखना एक दिन हम हैं या तुम अभागे हो। आंसू ना ये खारे दरिया के ये धारे, जल उठेगी जब अगन ना टिक सकेगा उसके आगे हो। सो चुके हो नींद में तुम दंभ किया अब भी जागे हो, अब भी जागे हो। जब अगर ना टिक सकेगा उसके आगे हो। योर ऑनर, इस मूर्ति की आंख पे पट्टी बंधी रहती है ताकि ये निष्पक्ष न्याय कर सके, लेकिन शायद अब ये पट्टी हटाने का समय आ गया है ताकि ये चौकन्नी नजर से निष्पक्ष न्याय कर सके। मैं पहला गवाह राजू गुप्ते को बुलाना चाहूंगा। राजू जी, आपको 13 मार्च को बल्ली चौधरी के साथ कोर्ट में लाया गया था अपने किसी केस के हियरिंग के बारे में, और तब आपने उस पे हमला होते हुए देखा था, राइट? हाउस साहब, आपने इन पांचों को हमला करते हुए देखा था? हाउस साहब, इन पांचों को देखा था। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हूं। मैं क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं? आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं रिस्पेक्टफुली डांगड़े सर से पूछना चाहता हूं, ये सवाल इस केस से कैसे कनेक्ट? ओवररूल। हाँ, तो राजू जी आप बता रहे थे क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आप? तो छोटा छोटा मोटा सामान है साहब, वैसा कुछ नहीं है साहब। आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं नहीं साहब, ऐसा मतलब उस दिन कोर्ट में आपको जो लाया गया था किस आरोप के आधार पर लाया गया था? साहब उस दिन मैं बताता हूं, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एंड सेक्शन 326A, आपने अपने दोस्त की बहन दीप्ति जाधव पे एसिड फेंकने की कोशिश की थी। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं फिर पूछना चाहूंगा योर ऑनर, इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग का विटनेस ने इस केस में जो क्राइम होते हुए देखा उससे क्या लिंक है? ओवररूल्ड। जो अपराध इस विटनेस ने होते हुए देखा उसकी गवाही पर मेरे क्लाइंट्स को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है। मैं तो सिर्फ कोर्ट को यह बताना चाहता हूं कि यह विटनेस कोई आम आदमी नहीं है। 16 साल की उम्र से मल्टीपल अरेस्ट और कन्विक्शंस झेल चुका है, रेंजिंग फ्रॉम ड्रग पेडलिंग, किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर। पिछले 10 में से 7.5 साल जेल में गुजार चुका है, लेकिन बल्ली चौधरी की मौत का विटनेस बनते ही उस पे लगे सारे चार्जेस
अचानक विड्रॉ किए जाते हैं. He's let off scot free. भाई इज्जत बरी. मर्डर के वक्त हवा में लाल मिर्च फैली थी. सभी औरतों के चेहरे पूरी तरह ढके हुए थे. तब भी राजू जी ने उन पांचों औरतों को ठीक से देखा, अपनी आंखों से देखा और आइडेंटिफाई भी किया. इसलिए ये पांचों आज उम्र कैद की सजा काट रही है. देयरफॉर आई क्वेश्चन हिज क्रेडिबिलिटी योर ऑनर. योर ऑनर, मैं एसआई पाटिल को बुलाना चाहूंगा. आप विजयनगर पुलिस स्टेशन में कब से पोस्टेड हैं? सर, 12 साल से. ओह, 12 साल से. इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. इस दौरान आपकी कोई ट्रांसफर या नई पोस्टिंग नहीं हुई? मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, बाकी वो सब अपने हाथ में कहा हो ना. बिल्कुल. अच्छा, आप बल्ली चौधरी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं, ऐसा ही छोटा मोटा गुंडा था. कभी कुछ लफड़ा, मतलब कुछ गड़बड़ किया तो हम पकड़कर वार्निंग देते थे. लेकिन ये ऐसे लोग, कुत्ते की दुम, कितना भी ट्राई करो टेढ़ी की टेढ़ी रहेंगे. तो फिर अचानक उसे पकड़ा क्यों? वो इस टाइम क्या हुआ, राही नगर से पहली बार एक साथ इतनी सारी कंप्लेंट आई थी. वो लोग उस पर हमला भी किए थे. आओ. मतलब उसे प्रोटेक्शन देने के लिए आपने पकड़ा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसा. बल्ली चौधरी कितने दिनों से आपकी कस्टडी में था? 10 दिन. तो उन 10 दिनों में उसका खाना पीना सब आपके कंट्रोल में था? नहीं, मतलब हाँ, कंप्लीट एकदम हमारा कंट्रोल. तो 12 मार्च की रात उसने क्या खाया था? मेरे को क्या मालूम वो क्या खाया. योर ऑनर, ये विटनेस को प्रेशराइज किया जा रहा है. अब विक्टिम के डाइट का उसके मर्डर के साथ क्या कनेक्शन है? आई ऑब्जेक्ट टू दिस योर ऑनर. ओवररूल्ड. योर ऑनर, ये विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है. बहुत ही कॉम्पिटेंटली बनाई गई है. एक एक जख्म को बहुत बारीकी से जांच किया गया है. इंटरेस्टिंगली, इसमें से एक बेसिक रिपोर्ट गायब है, ब्लड रिपोर्ट. पाटिल साहब, आप बता सकते हैं ये ब्लड रिपोर्ट क्यों मिसिंग है? नहीं, मुझे नहीं मालूम. आपको नहीं मालूम? नहीं. कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं. योर ऑनर, मैं एसीपी समीर देशपांडे को बुलाना चाहूंगा. एसीपी साहब, मैं आपको एक ही सवाल पूछूंगा और बहुत छोटा सवाल है. आप कुछ बता सकते हैं इस मिसिंग ब्लड रिपोर्ट के बारे में? इसमें से ब्लड रिपोर्ट मिसिंग है. सर, वो एक्चुअली जो भी है सच बता दीजिए. उसके ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस मौजूद थे. बल्ली चौधरी के खून में शराब के अंश पाए गए, जबकि 10 दिन से वो एसआई पाटिल की कस्टडी में था. थैंक यू एसीपी साहब, यू मे गो नाउ. बल्ली चौधरी हत्याकांड कई चौंका देने वाले मोड़ लेने के बाद फिर से अब सुर्खियों में आ गया है. एसीपी समीर देशपांडे की स्टेटमेंट के बाद पांचों औरतों को मिली राहत. उम्मीद की एक किरण इन औरतों को जेल की कोठरी से आजादी दिला पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा. फिलहाल नागपुर पुलिस प्रशासन पे कई सवाल उठ रहे हैं. जस्टिस, न्याय, इंसाफ, ये मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं है, मेरे जीवन की परिभाषा है. लेकिन न्याय क्या होता है? एक सच तो यह है कि बल्ली चौधरी का खून हुआ,
औरतों की भीड़ ने उसका खून कर दिया और उस भीड़ में से किस औरत ने किया ये जानने की कोशिश हम करते रहे। लेकिन एक सवाल जो बार बार मुझे सताता रहा, मुझे कुतरता रहा, वो ये था कि क्यों क्यों ऐसे आदमी को मारा जो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में था, ऐसा आदमी जिसका केस कोर्ट में पहुंच चुका था, ऐसा आदमी जिसे शायद सजा भी हो सकती थी, तो फिर क्यों? देख रहा है पटला, क्या मस्त स्वागत करने आई है पूरी बस्ती अपना। भेंडी लो बल्ली, चल चल ना। आओ ना पटला, चल हम ना। क्या रे, मजे लेने की आदत हो गई है तुम लोगों को? रुको, बस दो चार दिन रुको, मैं बाहर आता हूँ, फिर अच्छे से अंदर देता हूँ, फिर आएगा मस्त मजा। चल वाली बात ले गया, इधर लपड़ा नहीं चाहिए, फुर्सत में देख लेना बाद में। चल चल अभी चल, तेरी ना लकी बात आप निकालूंगा मैं लकी। चल रुको, चल Hope is the silver lining of life. चारों तरफ अंधेरा हो तब भी हम लोग इसी आशा में रहते हैं कि हालात बदलेंगे। बल्ली चौधरी 10 साल से राही नगर में दहशत फैलाता रहा, फिर भी सब लोग इसी आशा में उसे सहते रहे कि एक दिन ये सब खत्म होगा। लेकिन बस्ती वालों ने 3 मार्च को बल्ली चौधरी को पुलिस कस्टडी में कोर्ट के अंदर मां बहन की गाली देते हुए देखा, धमकियां देते हुए सुना। अब सवाल यह है कि बल्ली जैसे अपराधी की ये जुर्रत कैसे हुई? इसलिए कि उसके खिलाफ कंप्लेन करने वाली औरतें दलित थी, और यही इस मामले का असली पेंच है। लेकिन हमें अब आदत हो गई है, आदत हो गई है सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की, और पढ़कर कुछ महसूस ना करने की। इट्स नॉट जस्ट दिस अक्यूज्ड हु रेप दिस वुमेन, इट्स आवर माइंडसेट दैट रेप्स देम, इट्स आवर नमनेस टुवर्ड्स दिस क्राइम दैट्स मोस्ट डिस्टर्बिंग। दलित मुद्दा जाति का मुद्दा है जो एक धर्म की प्रथा है। धर्म का पालन करने की या ना करने की आजादी है, धर्म बदलने की भी आजादी है, बट लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। लॉ फॉलो करने की या ना करने की आजादी नहीं है, लॉ हैज टू बी बाइंडिंग फॉर ऑल। ऐसा होता नहीं इन दलित औरतों के लिए तो कतई नहीं। एन अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल। अगर हमारी न्याय व्यवस्था इन औरतों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें सजा देने का अधिकार भी उसे नहीं है। योर ऑनर, वी शुड प्रे दैट दीज पीपल डोंट लूज होप, क्योंकि इसी तरह अगर लोगों की आशाएं खत्म होती गई तो आने वाले समय में इंसाफ अदालतों में नहीं, सड़कों पर भीड़ के हाथों किया जाएगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, रिस्पेक्टेड सर ने हमें कितनी अच्छी अच्छी और सुंदर बातें बताई, लेकिन अब मैं योर ऑनर कोर्ट का ध्यान दोबारा इस इमीडिएट केस पे वापस लाना चाहूंगा जिसके लिए हम सब यहां जमा हुए। हो सकता है योर ऑनर कि बल्ली चौधरी ने इन औरतों पर बहुत जुल्म ढाए हो, हो सकता है कि उसने इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी हो, लेकिन योर ऑनर जो अहम सवाल पहले दिन से हमारे सामने था वो आप भी वहीं के वहीं हैं, और सवाल ये है कि क्या इन औरतों ने मिलकर भीड़ बनकर बल्ली चौधरी को मारा?
मैंने मारा है उसको भी। काट डाला उस हरामी को। दोबारा मौका मिलेगा ना तो वो इज्जत करूंगी मैं। I finally rest my case, Your Honor. जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि हमें सब कुछ भूलकर सिर्फ मर्डर पे फोकस करना चाहिए, तो अदालत के सामने मैं असली कातिल पेश करता हूँ। मैंने मारा बली चौधरी को। मैंने मारा बली चौधरी को। मैंने मारा बली चौधरी को। नोचता है तन बदन क्यों ने किसे मुंह फेर भागे वो खींचता तू हो मगन क्यों आबरू के डोर धागे हो जागे हो जागे हो जागे हो जल उठेगी जब अगन्ना टिक सकेगा उसके आगे हो सो चुके हो नींद में तुम दंभ किया अब भी जागे हो जागे हो